ये चक्रव्यूह का जो बात कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी को यही कहना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस का घोटाला, भ्रष्टाचार, इसके लिए जरूर हमारे सरकार ने चक्रव्यूह बनाया है, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन है। लेकिन मैं इनको पूछना चाहता हूं, अगर ये रिमोट से 10 साल सरकार चलाए राहुल गांधी और इनके माताजी, तब इन्होंने मिस्टर राहुल गांधी तो फाड़ के फेंक दिया था एक ऑर्डिनेंस, और उनको कुछ तो ही कुड मीन सस्टेन इट, तो फिर भी उन्होंने कास्ट सेंसस क्यों नहीं किया, ये सब ड्रामाबाजी अभी क्यों कर रहे हैं? तो ये पूरा ड्रामाबाजी है। और मंडल कमीशन का किसने रिजेक्ट किया था, ये सब जो अभी तक इनका जो व्यवहार है, और इन्होंने जो बात कर रहे हैं, इनका जो 60 साल का जो भ्रष्टाचार घोटाला है पहले सरकार से आज तक, ये घोटाला को कवरअप करने के लिए नया नया चीज बोलने से लोग उनको मान लेंगे ऐसे सोचते हुए ये सब बात कर रहे हैं। मैं इनको सिंपल माइनस फिर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, 10 वर्ष क्यों नहीं किया? आज ज्ञानोदय होएगा क्या? इससे पहले कास्ट नहीं था क्या? और जब तो ये अदानी अंबानी बोलते हैं, तो इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट इसमें कौन दे रहे है? अभी अभी आपका सरकार आया है 3-4 महीने पहले तेलंगाना में, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने? राजस्थान में गहलोत जी ने कितना दिया है, कितना कॉन्ट्रैक्ट दिया है? मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपको इतना नफरत है तो ये सब राज्यों का जो अदानी अंबानी वगैरह बोलते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा क्या? ही शुड रिप्लाई फॉर ऑल दीज थिंग्स। ऐसे भाषण देके भागना नहीं है।